प्रदूषण को रोकिए किसी न किसी प्रकार से। अपने घरों में गमले लगाइए, आपकी बालकनी में आपके छज्जे पर सैकड़ों गमले रखे हुए हो, कोई तो बात होगी। माता पार्वती 100 तुलसी के गमलों में रोज पूजन करती थी, कोई तो बात रही होगी। पर्यावरण को कैसे भी बचाइए, आज पेड़ों का अभाव हो रहा है। आपके घर में कितना वुडन, कितना लकड़ी, कितना बेड अलमारी, कितने पेड़ों की हत्या हुई है, आपने पेड़ कितना लगाया। कहीं नहीं लगा सकते तो अपने छत पर तो लगा सकते हो, गमले आप रख सकते हो, जिससे ऑक्सीजन में कमी नहीं आएगी। भारत जितना गरीबी से जूझ रहा है, भारत उतना ही प्रदूषण से जूझ रहा है। हो सकता है कि बातें देश के नेताओं को ना पता हो, लेकिन मुझे पता है इस बात का, क्योंकि मैं देश के ऊपर स्टडी करता हूं। यह प्रदूषण इस देश के उत्थान में बहुत बड़ी समस्या। अप्रैल की स्थिति सिलेंडर था नहीं, किसी भी भाव में नहीं था, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया छोड़ के चले गए। बड़ा कष्ट था, बहुत दिक्कत थी। वो अपने ही लोग थे, वो अपने आसपास में ही रहने वाले लोग थे, भले ही वो मेरे पास रहते हो, आपके पास रहते हो, लेकिन वो थे तो अपने ही। प्रदूषण के साथ आज भारत एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आपका किसी का कोई ऐसा तो घर नहीं है, मैं आनंद के साथ बोल रहा हूं, गमले में पीपल लगाइए, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। वरगद लगाइए, कदम लगाइए, नीम जरूर लगाइए, डायबिटीज नहीं फैलेगी। जब से नीम के पेड़ कम हुए हैं, तब से पाम फैला दिया है मधुमेह ने। आजकल तो गांवों में भी नीम नहीं मिलते, ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। अपने गमले में नीम लगाइए। अरे नीम की पत्तियां खाने से तो सिर के बाल नहीं झड़ते, नीम की पत्ती का प्रभाव है। बबूल की दांतों करने से तो कहीं बॉडी में दर्द नहीं होता, आज सब कगार पर खड़े, घुटने का ऑपरेशन होगा। बहुत स्थिति गड़बड़ हो रही है, ये देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है।